अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ही वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ यहाँ पे नाश्ता वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आज दिल कर रहा था कि बाज़ार से पराठे लाए जाएँ और वो खाए जाएँ, क्योंकि यहाँ के ये पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और फिर यहाँ पर वो मैं लेने के लिए गई थी, और ये वाले जो पराठे हैं ये मैदे से बने होते हैं और बिल्कुल फ्रेश पराठे साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं, और गर्मा गर्म पराठे जो हैं यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। तो 50 रुपीज़ का एक पराठा था यहाँ पे। फिर मैंने 4 पराठे लिए थे, क्योंकि मैं घर से पूछ के आई थी कि किस किसने पराठा खाना है और किसने नहीं खाना, किसने ब्रेड खानी है। तो जिस जिसने खाना था उनके लिए फिर मैं यहाँ पे लेके आई थी। और यहाँ पे ये है जी पराठे, और इनको मैंने जो है ओपन करके प्लेट में रख दिया है। तो यहाँ पे साथ ही फिर मैंने चाय भी रख दी है। पराठे थोड़े से मतलब ठंडे भी हो रहे थे और मैंने इनको थोड़ा गर्म करूँगी एंड में। तो यहाँ पर ये पानी मैंने रख दिया था छोटे बेबी के लिए, दूध जो पीता है उसके लिए। और यहाँ पर तवा मैंने गर्म कर लिया था और उसे ऑयल डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने अंडे जो है वो फ्राई करने लगी हूँ। तो ये तीनों अंडे मैंने लेके एक साथ ही, क्योंकि मैं तो अंडा नहीं लेती, लेकिन बाकियों के लिए भी मैंने अंडा जो है फ्राई किया था। मेरा ज़रा बीपी जो हाई बीपी है उसका इश्यू है, तो मैं अंडा बहुत कम कभी कभार ले लेती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं लेती। तो फिर इसके बाद अंडों पे मैंने जो है ब्लैक पेपर नमक जो है वो डाल दिया। तो साथ ही फिर मैंने जो है थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और एंड में मैंने इसके ऊपर जो है कसूरी मेथी डाली थी। तो कसूरी मेथी बहुत ही टेस्टी होती है, जिससे जो है अंडे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हो जाता है। तो ये मैं फिर डाल देती हूँ। तो इस तरह फिर जो है मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद जो है फिर इस जो है मैं एंड में पराठे फिर गर्म करूंगी, क्योंकि पराठे थोड़े से ठंडे भी हो गए थे। और साथ में मुझे इनको जो है थोड़ा सा क्रिस्पी करना था, क्योंकि वो थोड़े नरम हो गए थे। आपको पता है कि गर्म चीज़ को शॉपर में बंद करें, किसी जगह बंद करें, तो वो एक थोड़ा सी स्टीम की वजह से वो थोड़े से उसमें पानी आ जाता है, जिस वजह से पराठे वो थोड़े नरम हो गए थे। तो उनको फिर मैंने थोड़ा सा गर्म किया और क्रिस्पी किया। और यहाँ पे जी धूप में बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया था, क्योंकि सर्दी थी और मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मज़ा आ रहा था यहाँ पे धूप में बैठने का। और धूप में बैठ के नाश्ता करने का अपना अलग ही एक मज़ा है। तो उसके बाद मैं फिर अपने छोटे वाले बेबी को लेके फिर जा रही थी सेफ मार्ट की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो इसको मैं प्रेम में डाल लेती हूँ और उसको साथ ले जाती हूँ, क्योंकि इसको बाहर जाने का बहुत शौक है और ये बाहर जाके बहुत खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा काफ़ी नेक है, बाहर जाके मुझे वो इतना तंग नहीं करता, लेकिन उस दिन इसने मुझे काफ़ी तंग किया, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके फीडर ले रही थी और फीडर इसकी मामा ने मुझे कहा था कि जा रही है तो इसका लिए फीडर ले आए, क्योंकि इसका जो पहला फीडर था वो साइज़ में छोटा था, माशाल्लाह से 1 साल का हो गया, तो उसको बड़े फीडर की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ भी इसने ना मुझे काफ़ी तंग किया, चीज़ें इसने काफ़ी छेड़ी, क्योंकि इसका भी दिल कर रहा था, देखिए इसके हाथ में फीडर है और वो देख रहा है, और इसका भी दिल था कि मैं भी शॉपिंग करूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना सकी, ये मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था, हर चीज़ को हाथ लगा रहा था। तो जिसकी वजह से फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप यही वाला रिकॉर्ड किया था। फिर मैं जो भी फीडर मुझे चाहिए था वो फिर मैंने चूज़ किया और वो ले लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ये सीपी कप देख रही थी, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये भी मैंने इसके लिए एक ले लिया था। लेकिन यहाँ पे भी इसने मुझे काफ़ी तंग किया, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे गोद में उठाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी ये अपने जो है इसका भी दिल है कि मैं भी चीज़ें देखूँ। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और ये जी मेरा रूम, और यहाँ पे मैं आपको रूम की हालत दिखा रही हूँ कि जब ये बच्चे आए होते हैं तो मेरे रूम की हालत होती है कि मेरा ड्रेसिंग टेबल का सामान सारा ऊपर चला जाता है, और वो जो मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र होता है उसको मैंने कवर कर दिया होता है, ताकि इनकी इनकी नज़र मेरी किसी भी कॉस्मेटिक्स पर ना पड़ सके और ये इनको ना छेड़ें। तो उसके बाद लंच किया हमने, और लंच करने के बाद मैंने प्लान किया कि मैं बच्चों को जो है पार्क ले जाऊं, ताकि ये थोड़े से घूम फिर आएँ और थोड़े से फ्रेश हो जाएं। तो फिर वो जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक फिर हम लोगों ने तैयारी की, और हमने चीज़ें जो है अपने बच्चों की रखी, और यहाँ पे इन ड्राइव बुक करवा ली थी हमने। और यहाँ से फिर हम लोग जो है पार्क के अंदर एंटर हो रहे हैं, क्योंकि मेरा ये दिल था कि ये बच्चे आए हुए हैं तो इनको कुछ मतलब इंजॉय वगैरह करवा दिया जाए। तो उसके लिए भी मुझे यही बेहतर लगा कि मैं यहाँ पे अय्यूब पार्क आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, झूले भी होते हैं और उसके अलावा एनिमल्स वगैरह हैं, थोड़ा छोटा सा जू भी है, तो जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी मतलब
खुश होते हैं चीजें वगैरह देखकर। तो यहाँ पे हम लोग जी एंटर हो गए हैं। यहाँ पे ये आते ही बच्चों ने इतनी खुशी का इजहार किया, बहुत ज्यादा खुश हुए। तो मैंने इनसे बोला कि ये तो अभी बेटा जी जो है एक ये मतलब आर्टिफिशियल एनिमल्स है, आपको मैं रियल में भी दिखाऊंगी। लेकिन वो ये वाले देख ही बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने टिकट वगैरह लिया था, एंट्री टिकट जो होता है वो लिया। और उसके बाद हम जो है जंगल वर्ल्ड में, जो जंगल वर्ल्ड जो जू है उधर, उसकी तरफ हम जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग फिर अंदर आए हैं, तो अंदर भी इस तरह के एनिमल्स वगैरह देख ये काफ़ी खुश हुए। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट लिया जू की तरफ से, जू से स्टार्ट लिया घूमना फिरना। और यहाँ पे जी वाइट टाइगर था, इसको देख के बहुत ही खुश हो रहे थे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बच्चे जो है कार्टून्स में ये चीज़ें वगैरह देखते रहते हैं। तो जब ये इन्होंने ये चीज़ें रियल में देखी तो ये बहुत खुश हुए। मैं इनको पिछले साल भी लेकर आई थी, तो पिछले साल भी ये छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, 1.25 साल की थी। और वो जो छोटा है वो तो हम लोग नहीं लेके आए थे, गोद में थे माशाल्लाह से। अब जो है वो तकरीबन 2.5 ईयर्स की होगी है, 2.5 साल की होगी है। तो अब इसको समझ है, तो अब ये बहुत खुश हो रही थी देख देख के, बहुत ज़्यादा ये खुश हो रही थी एनिमल्स वगैरह को देख के। और साथ साथ इनको क्वेश्चंस भी हो रहे थे, ये क्या खा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये है वो इस तरह। तो बच्चे जब खुश हो रहे थे तो फिर उनकी खुशी देख के, आपको पता है कि बच्चों की खुशी में ही हम सबकी खुशी होती है। तो जब बच्चे खुश होते हैं तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ मंकीज़ वगैरह थे, ये भी देख रहे थे, क्योंकि ऐसा ये कार्टून्स वगैरह में ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों को ये किरदार जो है दिखाया जाता है। तो ये भी देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इनको। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो थी ये वाइट वाली जो हिरन थी, और ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी है देखें। तो दिन का टाइम था तो ज़्यादातर जो एनिमल्स थे वो रेस्ट पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे। खैर मैं तो जब भी गई हूँ, और जो लाइन होता है और जो टाइगर्स वगैरह होते हैं ये ज़्यादातर रेस्ट पे ही होते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि लाइन की वीडियो बना लूँ, लेकिन वो सोया हुआ था तो इस वजह से फिर वो सही कैप्चर नहीं हो सका वो क्लिप। तो यहाँ पर ये मंकीज़ वगैरह थे जो कि खाना वगैरह खा रहे थे। तो इस तरह जो है काफ़ी मतलब टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। और ये वाला जी केज है यहाँ पे, जो है ये परिंदे वगैरह थे और डिफरेंट किस्म के मोर थे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। पहले तो ये परिंदे शुरू में ही जब हम लोग एंटर होते हैं ना इस तरफ जू की तरफ, तो वो शुरू में थे, लेकिन अब ये कोई कहीं दरमियान में जाके इन्होंने इसको इनको शिफ्ट कर दिया। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, तादाद उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे भी थी लेकिन उस तरह नहीं थी, वो तो उसमें भरा हुआ था केज और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आम जो मोर होता है वो भी था, वाइट वाला भी था, और इसके अलावा काफ़ी सारी जो इस तरह के एनिमल्स और परिंदे थे वो यहाँ पे हम लोगों ने देखे। और यहाँ पे जी हम लोगों ने फिर जब एंड पे हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि पार्क में चल चल के काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा, जिस वजह से थक भी गए थे। हमने कहा थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी हो जाएगी, कुछ खा पी भी लेते हैं। तो यहाँ पे फूड कोर्ट पे हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के आ गए थे जो कि चाह रहे थे कि हम उन्हीं का मतलब जो मेन्यू है उसको ऑर्डर करें। फिर हमने काफ़ी सोच के समझ के कि क्या लें क्या ना लें, तो फिर हम लोगों ने बर्गर ही ऑर्डर करवा दिए थे। ये वाला सीन मुझे बहुत पसंद है, कुदरती तौर पे ये कैप्चर हो गया है जिसमें ये परिंदे वगैरह एकदम से उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे हम लोग आए थे, यहाँ पे जो है जो छोटा सा क्या कहते हैं नदी सी थी, जहाँ पे छोटे छोटे परिंदे जो है वो तैर रहे थे, और डक्स वगैरह भी थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो हम लोगों ने ये जो है फ्राइज मंगवा लिए थे, क्योंकि वो काफ़ी बच्चे थक चुके थे, उनको भूख लगी हुई थी, तो उनके लिए हमने ये फ्राइज मंगवा दिए। तो फिर इस तरह हम लोग वो प्लेट्स एक्स्ट्रा मंगवा ली, तो फिर इस तरह हम लोग बच्चों को दे रहे थे। बच्चों के लिए हमने फ्राइज मंगवाए, और अपने लिए हम लोगों ने यहाँ पे जिंगर बर्गर जो है वो ऑर्डर करवा लिए थे, क्योंकि मेरा तो दिल था कि कुछ मतलब कढ़ाई वगैरह खाई जाए। तो वो साथ जो थी मेरी जो भांजी और भतीजी और वो जितनी भी लड़कियां थी, उन्होंने कहा नहीं हमने जिंगर खाना है। खैर जिंगर मंगवा लिया था, तो बस नॉर्मल टेस्ट था, कुछ था मज़े का टेस्ट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने खा लिया। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, जिस वजह से हम लोग थोड़े से बेहतर हुए, हम लोगों में एनर्जी आई खाना खाने के बाद, बच्चे भी थोड़े फ्रेश हुए, और उन्होंने उसके बाद फिर और ज़्यादा इंजॉय किया, फिर भागे घूमे। और फिर वहाँ पे कुछ डेक वगैरह लगा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी डांस वगैरह किया। तो इस तरह फिर ये एंड में हम लोग अब बाहर जाने बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो जाते जाते फिर
यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा चले इधर का भी थोड़ा सा सीन जो है वो कैप्चर कर लिया जाए। और यहाँ पे ये जो बड़े बड़े झूले थे, शुरू में बच्चों ने झूले भी लिए थे उस साइड पे, जो बच्चों के छोटे बच्चों के झूले होते हैं काप्स और ये वगैरह, तो वो हम लोगों ने लिए थे बच्चों को। तो काफ़ी बच्चे खुश हुए, फ्रेश हुए, एंजॉय किया। तो हम लोग भी फिर उनकी खुशी में खुश हुए, और मैं भी काफ़ी थक चुकी थी। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर जो है उसी गाड़ी के थ्रू बाहर आए, और वहाँ से हमने ड्राइव बुक करवाई, और उसके बाद हम लोग जो है फिर घर की तरफ आ गए थे। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।